जैसा कि चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं और उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है कालिका मार्ग स्थित कालिका माता मंदिर में, तो कालिका माता मंदिर में सभी पदाधिकारियों का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो नरेश मैनी जी, अभी क्या जिम्मेदारी है आप मंदिर की? मैं महाराष्ट्र की कृपा से यहाँ के प्रधान पद पर निकटू हूँ और सभी कार्यों को देखना और सबसे सहयोगपूर्ण संबंध बनाते हुए और आपसी संगठन को मजबूत बनाते हुए सभी कार्यक्रमों को कराना। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो प्रोग्राम आपने किस तरह से रखे हैं इस बार? सूक्ष्म रखे हैं, कुछ टाइम चेंज किया है? महाराष्ट्र की कृपा से कार्यक्रम तो सभी होंगे और कोविड 19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा और प्रोग्राम होंगे लेकिन थोड़े सूक्ष्म रूप से होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। सभी लोग मास्क लगा के आए और सैनिटाइज भी होगा सबका और किसी को कोई शिकायत ना रहे और ना किसी को दिक्कत हो। प्रोग्राम सभी होंगे जिसमें हमारा विशेष रूप से माता का जागरण है, ध्वजारोहण है जो कि अष्टमी के दिन जागरण होता है और नवमी के दिन हमारा ध्वजारोहण होता है और दोपहर में हमारा भंडारा होता है, लेकिन संख्या सीमित रखते हुए या तो हम पैकेट में बंद करके देंगे ताकि भीड़ ना हो पाए, ज़्यादा सीमित संख्या में सभी को सुविधापूर्ण सारे कार्यक्रम। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? आप क्या जिम्मेदारी? अच्छा, मंत्री जी लांबा जी, आप बताइए मंदिर के कार्यक्रमों के बारे में इस बार। मंदिर ये हमारा करीब 68वां झंडा अवसर है, 68 साल से हम इस झंडे अवसर को बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ कोविड के कारण पिछले वर्ष भी हम बहुत ही नॉमिनल सूक्ष्म से मना पाए। विडम्बना ये है कि इस बार फिर कोविड का महाकाल इस समय एकदम बढ़ गया, बीच में ठीक हो गया था, तो कोविड की वजह से प्रत्येक कार्यक्रम तो हमारे सब होंगे। पहले हमारे यहाँ भंडारों में कम से 5-7 हज़ार आदमी लोग खाना खाता था, लेकिन इस बार हमने भंडारे को भी बड़ा सूक्ष्म कर दिया है, पैकेट बांध के सोशल डिस्टेंसिंग को बांटा जाएगा। प्रसाद भी हम पहले काफ़ी बांटते थे लाइन से, लेकिन अब प्रसाद को भी हमने सीमित में करेंगे। जागरण हमारा पूरी रात होता था, जागरण होगा लेकिन हम मंदिर के ही कुछ सदस्य एक एक दो दो घंटे बैठ के मंदिर में जागरण करेंगे। और इसके अलावा कन्या पूजन बड़ा बहुत होता था, लेकिन इस बार उसको भी हम सूक्ष्म कर रहे हैं। हमारे संत सम्मेलन होता है, त्रिशक्ति सम्मेलन, सुबह शाम दो टाइम, तो सुबह का भी हमने कराया सत्संग हॉल में सोशल डिस्टेंस बिठा के, जो रात को होना था उसको भी हमने थोड़ा जल्दी कर देंगे। कार्यक्रम सब होंगे लेकिन कोविड के नियमों का पालन करते हुए बिल्कुल सूक्ष्म रूप से किया जाएगा। जैसे माता रानी की कृपा होगी वैसे ही होगा, जैसे हमारे बाबा जी चाहेंगे होगा वैसे ही, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश मंगाई। मंगाई जी, त्रिशक्ति सम्मेलन कितनी तारीख से हो रहा है इस बार? हमारे यहाँ शक्ति सम्मेलन है 17, 18 और 19 में। जी 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 जी। कहाँ से संत आ रहे हैं? हमारे यहाँ पर पहले तो व्यवस्था हम लोगों की थी कि बाहर बाहर से, बनारस से, कुरुक्षेत्र से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से और जगह जगह क्षेत्रों से हमारे यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर आ करके और शक्ति महासम्मेलन के ऊपर ही सभी लोग अपना विचार करके और भक्त समाज को आह्लादित करते थे। लेकिन वर्तमान जो कोविड की समस्याएं हैं, ये जो संसार में व्याप्त है जिससे कि हर कोई प्राणी त्रस्त है, ग्रसित है और हर किसी को भय भी है, तो जान है तो जहान है, तो इसी उसको देखते हुए अब की बार हमने बहुत सूक्ष्म रूप से शक्ति सम्मेलन, हमारे पास अभी 2-3 संत महात्मा यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के माध्यम से हमको यहाँ पर शक्ति महासम्मेलन को जो कार्यक्रम है और ब्राह्मणों के माध्यम से उसको हमको करना पड़ेगा। जी पंडित जी, और क्या प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं मंदिर में? देखिए, हमारे यहाँ पर जो ये शक्ति महासम्मेलन और इस चैत्र का जो नवरात्र होता है, इस नवरात्र हमारे यहाँ ये जो नवरात्र है वो वार्षिक उत्सव के रूप में हम उसको मनाते हैं और माँ का प्रतिष्ठा दिवस, बाबा श्री का जयंती उत्सव, ऐसे मुख्य पर्व हमारे यहाँ पर विशिष्ट रूप से मनाए जाते हैं। वर्तमान में ये जो नव संवत्सर है, इस सवन नव संवत्सर पर हम लोग माँ की आराधना करते हैं और आराधना जिस समय माँ के नवरात्रि आरंभ होते हैं, मंगलवार से आरंभ है, तो वही मंगलवार का जो दिन होता है वही उस समय नया संवत का राजा भी है और मंत्री भी वही है। तो मैं एक आम उसके रूप में एक बताना चाहता हूँ समाज को और समाज के लोगों को कि इस समय जो नया संवत्सर है वो मंगल पर आधारित है, मंगल ही राजा भी है और मंगल ही मंत्री भी है और मंगल एक तेज उग्र ग्रह होता है,
तो आपसी टकराव हर किसी के बीच में, नेताओं के बीच में या समाज के बीच में, परिवार के बीच में, इस तरह की स्थितियाँ उस समाज के बीच में रहेंगी, जिनके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा हर स्थिति में, परिस्थिति में। जैसे वर्तमान में अभी कोरोना की समस्याएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उपद्रव, आपसी उपद्रव होते रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी नए संवत्सर के उपलक्ष्य में। लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक आसरा जो भगवान ने दिया, जो गुरु महाराज ने दिया, तो भगवान नाम का अगर हम सहारा लेते रहें तो निश्चित रूप से, जैसे कि बरसात होती है, हम छाता का सहारा लेते हैं तो उससे भीगने से बच जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी भगवान का नाम का सहारा, माता का सहारा लेकर के और अपने कार्यक्रम को करना है। और हमारे यहाँ पर जो ये झंडे का उत्सव होता है, बड़े विशाल रूप से होता है और असंख्य, उतनी हमारे यहाँ जगह की न्यूनता है जितनी हमारे यहाँ पब्लिक हो जाती है। लेकिन कोविड की वजह से हम लोगों ने जैसे ही उसका हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं बहुत कम कर दिया है, और काट बांटने कम कर दिए हैं। संत महात्मा ब्राह्मण हमारे यहाँ 108 ब्राह्मण आकर के और माँ भगवती के चरणों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं सायंकाल और सुबह में। और सायंकाल के समय में माँ भगवती की महान आरती होती है, उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर माँ की आरती में सम्मिलित होते हैं, तो वो भी हम लोगों ने बहुत सीमित कर दिया है कोविड को देखते हुए। और 108 ब्राह्मणों की जगह हम लोगों ने केवल 27 ब्राह्मण माँ की सेवा में, जो कि इस समय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा को अपने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से पाठ करेंगे, तो उसमें भी हम लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब व्यवस्था को देखते हुए और मंदिर समिति के माध्यम से ये सब के लिए ये सब कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत सुंदर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं नाम संजयाना मैम, आनंद जी, प्रचार मंत्री हूँ। जी कोविड-19 को देखते हुए सारे प्रोग्राम तो होंगे लेकिन सूक्ष्म रूप से होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हर चीज़ मतलब बहुत सूक्ष्म रूप में की जाएगी। उत्सव सारे पूरे होंगे, 13 तारीख से लेकर 21 तक के हमारे यहाँ का फंक्शन है, वो सुचारू रूप से चलेंगे लेकिन नियम का पालन करते हैं। जैसा कि मंदिर के पदाधिकारियों ने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी और खासकर पंडित जी ने बताया कि मंगल ही राजा है, मंगल ही मंत्री है इस साल का, उपद्रव शरण में आके इस बार जो है खासकर जा पूजा पाठ करें ताकि सब लोग शांत रहें। तो आप सभी पदाधिकारियों की उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माता।